हेलो स्टूडेंट्स, हमने अब तक 1, 2, 3 पेजेस कंप्लीट कर लिए थे आपके चैप्टर 1 नेमिंग वर्ड्स में। आई होप आपको वो समझ में आए होंगे। आज हम पेज नंबर 4 पढ़ेंगे और इसमें एक्सरसाइज दी गई है जिसे हम कंप्लीट करेंगे। सो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, राइट डाउन द नेम्स। जैसे कि हमने पहले नेमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा था कि स्पेशल नेम्स, स्पेशल प्लेसेस या स्पेशल थिंग्स के जो नाम होते हैं उन्हें नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो वो आपको समझ में आ गया था। अब हम यहाँ अपने बारे में इंफॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन देंगे जो स्पेशल नेम्स में मेंशन होंगे, ताकि आपको समझ में आए कि नेमिंग वर्ड्स एक्चुअली में होता क्या है और उसका क्या यूज है। तो आपको एक एक्सरसाइज दी गई है पेज नंबर 4 पर, राइट डाउन द नेम्स, योर नेम। अब आपका जो भी नाम है उसे आपको अपनी बुक में यहाँ फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको तो अपना नाम लिखना है, पर मैं यहाँ पर आपको केवल एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे आपका नाम अगर पूजा है, अगर आप गर्ल हैं तो आप अपना नाम लिखिए, पर मैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लिख रही हूँ। आपका नाम कुछ भी हो वो आपको यहाँ फिल करना है। पूजा शर्मा, आपका नाम चाहे अमित हो, अंकुश हो या टीना हो, मीना हो, कुछ भी हो, वो आपको यहाँ लिखना है। योर बेस्ट फ्रेंड्स नेम, अब यहाँ पर आपको आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम लिखना है। क्लास में आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो या आपके नेबरहुड में हो उसका नाम लिखना है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख रही हूँ, पर आपको अपना बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है। इस तरीके से ये हो, नेहा शर्मा मैंने लिखा है, नेहा शर्मा पूजा शर्मा की बेस्ट फ्रेंड है। नंबर 3 इज योर स्कूल नेम। अब यहाँ आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। तो जैसे आप अपने स्कूल का नाम लिखिए, मैं यहाँ स्कूल का नाम लिखती हूँ। श्री रघुनाथ, श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो आप देखिए, योर नेम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। मैंने पूजा शर्मा लिखा है समझाने के लिए। नंबर 2 इज योर बेस्ट फ्रेंड्स नेम। आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम आपको यहाँ लिखना है। आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड हो उसका नाम आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। नंबर 3 इज योर स्कूल नेम। यहाँ आपको आपके स्कूल का नाम लिखना है। मैंने लिखा है श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि आप इसमें पढ़ रहे हैं, तो मैंने ये नाम आपके स्कूल का लिखा है। नंबर 4 इज योर टीचर्स नेम। आपके टीचर का नाम, जैसे आपको ज्योति मैम पढ़ाती है, अगर मैंने आप यहाँ ज्योति लिखा है, ज्योति मैम। नंबर 5 इज योर फादर्स नेम। आपके पिता का नाम या आपके पापा का नाम, तो यहाँ मैंने फादर्स नेम लिखा है। आपके पापा का जो भी नाम हो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। अब हम 6 to 10 ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। नंबर 6 इज
योर मदर्स नेम, आपकी मम्मी का नाम, माता का नाम, अब आपके मॉम का नाम जो भी हो वो आपको यहाँ मैंशन करना है. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर ये नेम लिख रही हूँ. योर ब्रदर और सिस्टर्स नेम, जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल एन आई एस एच यू नेश, यहाँ मैं लिखूंगी गुंजन, यहाँ मैं लिखूंगी ईशान. इस तरीके से आपको अपने भाई बहनों के ब्रदर और सिस्टर्स के नाम लिखने हैं. नंबर एट इज योर सिटीज नेम. सिटी में शहर का नाम, आपकी सिटी क्या है, जैसे आप कहाँ रह रहे हो वहाँ का नाम आपको लिखना है. आप जहाँ भी रह रहे हो उस प्लेस का नाम आपको यहाँ मेंशन करना है. जैसे नंतरगढ़ में रह रहे हैं तो यहाँ मैंने नंतरगढ़ लिखा है. नंबर नाइन इज योर फेवरेट कंट्री, आपकी फेवरेट पसंदीदा देश, कंट्री मीन्स देश. सो हम यहाँ पर इंडिया लिखेंगे. आपकी जो भी फेवरेट कंट्री हो वो आप यहाँ लिखें, वेदर इट्स ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, अमेरिका, जो भी हो. तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ इंडिया देखा है. नंबर टेन इज योर प्लैनेट्स नेम, आपके प्लैनेट का नाम, आप किस प्लैनेट पे किस ग्रह पे रह रहे हैं, अर्थ पे. सो आप यहाँ अर्थ लिखें. इस तरीके से आपके लिए 10 कंप्लीट होंगे, 6 to 10. योर मदर्स नेम, आपकी मॉम का नाम यहाँ मेंशन होगा, मैंने मीना शर्मा एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है. नंबर 7 इज योर ब्रदर्स और सिस्टर्स नेम, आपके भाई बहन का नाम आपको यहाँ मेंशन करना है. मैंने ये 3 नेम्स लिखे हैं यहाँ, आपके जो भी भाई बहन हो आपको उनका नाम बुक में लिखना है. नंबर 8 इज योर सिटीज नेम, आपके शहर का नाम, यहाँ आपको आपके शहर का नाम लिखना है, मैंने रतनगढ़ लिखा है. नंबर 9 इज योर फेवरेट कंट्री, आपकी फेवरेट पसंदीदा आपका देश कौन सा है वो आपको यहाँ लिखना है, मैंने इंडिया लिखा है. नंबर 10 इज योर टैलेंट्स नेम, आपके ग्रह का नाम, मैंने अर्थ लिखा है क्योंकि आप अर्थ के पृथ्वी पर रह रहे हैं, इसलिए मैंने ये अर्थ लिखा. सो आपको इसे अपनी बुक में लिखना है. अब हम पेज नंबर 4 पर ये क्वेश्चन करेंगे, सर्कल द स्पेशल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और एनिमल. आपको इन सभी सेंटेंसेस में से जो भी स्पेशल नेम लग रहा हो किसी पीपल या इंसान का, किसी प्लेसेस या किसी जगह का या किसी एनिमल का, तो आपको उसे सर्कल करना है. सर्कल में कैसे करना है वो आपको बता दूंगी. फर्स्ट है आई लिव इन अ सिटी, मैं एक सिटी में एक शहर में रहता हूँ. इसमें कोई भी ऐसा स्पेशल नेम मेंशन नहीं हो रहा है. सो हम आगे चलते हैं. इट इज कॉल्ड लखनऊ. अब जो लखनऊ है ये एक स्पेशल जगह का नाम है, तो हम इसको सर्कल इस तरीके से करेंगे. आपको अपनी बुक में सर्कल करना है. नंबर 2 इज आई हैव अ पैट, मेरे पास एक पैट है. अब इसमें कोई स्पेशल नेम नहीं है, सो हम आगे देखेंगे. इट इज अ डॉग, तो वो एक डॉग है. आई कॉल इट बिंगो, मैं उसे बिंगो कह के बुलाता हूँ, उसका नाम है यानी कि बिंगो है, ये स्पेशल नेम हो गया. तो हम इसको सर्कल इस तरीके से करेंगे. नंबर 3 इज दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ी, सॉरी दिल्ली एक बड़ा शहर है. सो जो दिल्ली है वो एक स्पेशल जगह का नाम, स्पेशल सिटी का नेम है, तो हम उसे इस तरीके से सर्कल करेंगे. नंबर 4 इज शालिनी इज अ स्मार्ट गर्ल, शालिनी एक स्मार्ट लड़की यानी बुद्धिमान लड़की है. अब इसमें जो शालिनी है वो स्पेशल नेम है, सो हम इसको सर्कल करेंगे. नंबर 5 इज रोहन गेव मी अ बुक, रोहन ने मुझे एक बुक दी. इसमें जो रोहन है वो एक स्पेशल नेम है, सो हम इसे सर्कल करेंगे.
इसी तरीके से हम नेक्स्ट 4 to 10 करेंगे कंप्लीट. नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस. इसमें भी हमें सेम करना है. दिस इज अ टाइगर. ये टाइगर है. दिस नेम इज नंबर. उसका नाम नंबर है. अब इसमें आप देखिए इस फर्स्ट सेंटेंस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्पेशल नहीं मेंशन हो. बट सेकंड सेंटेंस में ये जो नेम है ये स्पेशल है. दैट्स व्हाई हम इसे सेंटर करेंगे. नंबर 7 इज नेहा इज माय कजन. नेहा मेरी कजन है. सो जो नेहा है वो स्पेशल नेम है. दैट्स व्हाई हम इसको सेंटर करेंगे. नंबर 8 इज चार्ली लिव्स इन न्यूयॉर्क. अब ये देखिए फर्स्ट जो वर्ड है चार्ली वो किसी का नेम है. स्पेशल नेम हो गया तो इसको हम सर्कल करेंगे. साथ में लिव्स इन न्यूयॉर्क. अब जो न्यूयॉर्क है ये किसी स्पेशल जगह का नाम है. सो हम इसे भी सर्कल करेंगे. इस सेंटेंस में 2 सर्कल होंगे. नंबर 10 इज कोलकाता इज कॉल्ड द सिटी ऑफ जॉय. सिटी ऑफ जॉय. सो जो कोलकाता है वो किसी सिटी का नाम है. तो सबसे पहले तो हम इसे सर्कल करेंगे. इज कॉल्ड द सिटी ऑफ जॉय. और ये जो ये क्या कहलाता है खुशियों का शहर कहलाता है. तो हम इसे भी स्पेशल चीज है इसलिए इसको भी हम सर्कल करेंगे. सीमा इज रोहित मदर. सीमा रोहित की मदर है. रोहित की मॉम है. तो जो सीमा है वो तो सर्कल होगी ही. साथ में रोहित जो नेम है वो भी सर्कल होगा. इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है. आपका होमवर्क ये है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया है 1 to 10 आपको अपनी बुक में कंप्लीट करने हैं. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो प्लीज़ रीड एंड लर्न. थैंक यू.